फॉर्म होते हैं और पैरामीटर्स होते हैं उसका मिनिम क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। सो फ्रेंड चलिए देखते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक टर्म देखते होंगे LMP, ये तो सबको पता है फिर भी मैं बताती हूँ। LMP मतलब लास्ट मिनिस्ट्रियल पीरियड, आपके पीरियड का लास्ट डेट कब था। उसके बाद आप एक शॉर्ट फॉर्म और भी देखते हो जैसे कि EDT, EDT का मतलब होता है इस्टिमेट ड्यू डेट। ठीक है, आपका जो LMP है उसके अनुसार जो इस्टिमेट ड्यू डेट है आपकी डिलीवरी की डेट वो होती है EDT। उसके बाद आप और एक टर्म देख रहे हो AFI। यहाँ पे AFI का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका वो मेजरमेंट है। उसके बाद आप और एक टर्म देखते हो FHR। FHR मतलब फीटल हार्ट रेट, बेबी की जो दिल की धड़कन है उसको बोलते हैं FHR, और वो मेजरमेंट की जाती है BPM मतलब बीट पर मिनट। उसके बाद नीचे आप कुछ पैरामीटर्स देख रहे हो जैसे कि BPD, हेड सर्कम्फरेंस। इसके बाद आप देख सकते हो फीटल पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर दिए गए हो उसका क्या मीनिंग होता है चलिए जानते हैं। सबसे पहला है BPD। BPD का अर्थ होता है बाय पैरेडल डायमीटर, मतलब बेबी का जो सिर होता है उसका एक ईयर से लेकर दूसरी ईयर तक सामने की जो गोलाई होती है उसे बोलते हैं BPD मतलब बाय पैरेडल डायमीटर। तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है MMS में। उसके बाद आप देख सकते हो हेड सर्कम्फरेंस, यहाँ पर तो फुल फॉर्म में दिया है पर कई बार आपको HC ही दिखा मिलेगा, तो उसका मतलब होता है कि बेबी का जो सिर है उसका हेड है उसका उसकी गोलाई। ठीक है, तो हेड सर्कम्फरेंस। उसके बाद आप देख सकते हो ABD सर्कम्फरेंस। ABD सर्कम्फरेंस का मीनिंग होता है जो बेबी का पेट है उसके गोलाई का मेजरमेंट, तो उसे बोलते हैं ABD सर्कम्फरेंस। उसके बाद आता है फ्यूमरल लेंथ। फ्यूमरल लेंथ यानी बेबी की जांग की हड्डी, उसको जांग उसकी जांग से लेकर उसकी नी तक की जो लंबाई होती है उसको फ्यूमरल लेंथ कहते हैं, उसका भी मेजरमेंट इस अल्ट्रासाउंड थ्रू लिया जाता है। उसके बाद आप और एक पैरामीटर देख सकते हो टिबियल लेंथ। टिबियल लेंथ का भी मीनिंग होता है जो बेबी की पैर की हड्डी है उसके नी से लेकर उसके एंकल तक उसे बोलते हैं टिबियल लेंथ, उसका भी मेजरमेंट अल्ट्रासाउंड थ्रू लिया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हो ह्यूमरल लेंथ। ह्यूमरल लेंथ मतलब बेबी की जो कंधा है उसका लेंथ होता है ह्यूमरल लेंथ। आई होप फ्रेंड्स आपने ये सब पैरामीटर्स का मीनिंग समझ लिया होगा कि इसका क्या मीनिंग होता है। उसके बाद है फीटल वेट। फीटल वेट इसी जो आप पैरामीटर्स देख रहे हो BPD इसी इसी का आधार लेकर कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम द्वारा बेबी का उस वीक के अनुसार फीटल वेट मेजरमेंट किया जाता है। और आप जैसे कि देख रहे हो ये मेरी 19 वीक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो यहाँ पर बेबी का वेट 328 ग्राम दिखाई दे रहा, और यहाँ पर प्लस माइनस ग्राम और एक ब्रैकेट में आप देख सकते हो। इसका मतलब है कि ये जो वेट दिया गया एस्टिमेट इससे बेबी का वेट 40 ग्राम कम भी हो सकता है या फिर 40 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये एस्टिमेट वेट है, एग्जैक्ट वेट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये कुछ टर्म्स है, पैरामीटर्स है, शॉर्ट फॉर्म्स है जो कि अल्ट्रासाउंड में लिखाई देते हैं। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आप इन टर्म और पैरामीटर्स के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।